हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज आपको गोंद आर्ट करके दिखाने वाली हूँ, और मैं ये जो पुराने ड्राइंग्स है वो भी दिखाने वाली हूँ। तो मैं इसी स्टील लाइफ की प्रैक्टिस करती हूँ। ये मेरी कॉलेज की बुक है एक्चुअली। तो ऐसे कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो हमें निकालने होते हैं। ये 5-5 सेंटीमीटर के बॉक्स निकाल के इसमें एक जैसे ही डिज़ाइन निकालनी होती है, और कलर अपोजिट कलर कलर करने होते हैं उस, और इसमें एक ही कलर यूज़ करके अलग अलग शेडिंग बनानी होती है, लाइट से डार्क तक। बहुत ब्यूटीफुल दिखता है वैसे वो। और ये लाइट टू डार्क निकाला है मैंने, ये आप देख सकते हैं। और इसकी वीडियो तो मैंने डाली है यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं। और ये कुछ डिज़ाइन है, हम इसे गोंद आर्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम ये निकालने वाले हैं। ये भी मेरे कॉलेज वालों ने बताया था निकालने के लिए, इसीलिए निकाल रही हूँ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज हम इस टाइप की गोंद आर्ट निकालने वाले हैं। ये पूरा सीनरी निकालने वाले हैं गोंद आर्ट में। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ ऊपर से चालू करेंगे। तो पहले हम ये कलर यूज़ करेंगे, ब्लू के सब शेड। ये लाइट ब्लू कलर है, स्काई ब्लू, और ये डार्क ब्लू है, कोबाल्ट ब्लू भी यूज़ कर सकते हैं आप, और ये पिको ब्लू है, और वाइट। तो हमें यहाँ पे ऊपर कलर देना है। तो ये जो मैंने राउंड राउंड निकाले हैं उसमें अलग अलग शेड भरनी है, मतलब थोड़ा सा लाइट कलर ब्लू का, फिर थोड़ा सा डार्क कलर। आप इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी यूज़ करके भी कलर कर सकते हैं, क्योंकि हमें उस पर डिज़ाइन निकालनी होती है तो वो इतना कुछ दिखता नहीं है। बट इतना भी ज़्यादा यूज़ मत करना कि पेज फट जाए, तो एकदम थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करना। तो चलिए हम जल्दी जल्दी से ये ऊपर स्काई वाला पार्ट कलर कर लेते हैं। मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देती हूँ अभी। अभी हमें क्या करना है कि जो लाइट वाला भाग है उस पर डार्क कलर के डिज़ाइन निकालनी है, कलर से मतलब वो हाईलाइट अच्छी हो। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने डार्क कलर यूज़ किया है, और जहाँ पे डार्क कलर हमने दिया है वहाँ पे लाइट कलर से हमें डिज़ाइन निकालनी है। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने ऐसी डिज़ाइन निकाली है। और अभी हम पूरे ग्रीन के शेड्स का यूज़ करने वाले हैं, मतलब आपके पास जो भी ग्रीन की शेड होगी और येलो की शेड होगी वो हमें यहाँ पे यूज़ करनी है। ये जो पहाड़ छोटे छोटे हैं हमें वो ग्रीन दिखाने हैं, इसलिए हम उसमें राउंड राउंड वाली डिज़ाइन करेंगे।
ये आप देख सकते हैं मैं किसे कर रही हूँ। तो हमें नीचे से ऊपर तक लाइट करते जाना है, मतलब नीचे हम डार्क देंगे, फिर ऊपर की लाइन थोड़ी सी लाइट होगी, फिर उससे ऊपर की लाइन थोड़ी सी लाइट होगी, तो ऐसे करते हम जाएंगे। बस आपको इतना याद रखना है इसमें कि जहाँ हम डार्क कलर यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे लाइट कलर से डिज़ाइन करनी है, और जहाँ पे हम लाइट कलर यूज़ कर रहे हैं तो ऊपर हमें डार्क कलर से डिज़ाइन करनी है। तो ये देख सकते हैं आपकी मैं कैसे कर रही हूँ, बहुत ही पेशेंस से काम करना है। गोंदार को निकालने में बहुत टाइम लगता है, बट वो निकालने के बाद बहुत अच्छा दिखता है। अब हम ये नीचे वाला पार्ट है जो वो हम उसको येलो कलर देंगे, येलो पे थोड़ा सा ग्रीन टच करना है, और ये नीचे वाला पार्ट है जो वो ऑलिव ग्रीन और वाइट मिक्स करके करना है। और ये ओलिव ग्रीन में बहुत वाइट यूज़ करके ऊपर वाइट डॉट्स निकालने हैं। तो हमें ऊपर से नीचे तक थोड़ा सा डार्क करते जाना है। तो यहाँ पे हम जो ये गाय है उसकी शेडो निकालेंगे थोड़ी सी। मतलब हम वहाँ पे डार्क कलर यूज़ करेंगे और जो बाजू में होगा वो लाइट कलर करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं पूरा कंप्लीट होने के बाद बहुत अच्छा दिख रहा है ये। तो यहाँ पे हम जो ट्री करने वाले हैं उसमें ब्राउन बहुत कम यूज़ करना है और वाइट का यूज़ ज़्यादा करना है, मतलब बहुत लाइट करना है, और उसमें थोड़ा सा ज़्यादा पानी यूज़ करके हम यहाँ पे कलर देने वाले हैं। तो अभी हम ब्लैक पेन का यूज़ करेंगे और जो ट्री होगा उसको अंडर बॉर्डर करेंगे, मतलब और उसमें भी छोटी छोटी लाइंस की डिज़ाइन बनाएंगे। और ये दूसरी टाइप की भी हम डिज़ाइन निकल सकते हैं उसमें, आपको जो अच्छी लगेगी वो आप निकल सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे जो लीव्स निकाले हैं उसमें कलर भरने वाले हैं, तो आप कौन से भी कलर यूज़ करके वो कर मतलब फिल कर सकते हैं कलर। तो मैंने यहाँ पे 3-4 कलर यूज़ करे हैं, कलरफुल निकालना चाहती थी इसलिए थोड़ा सा अलग निकाला। तो अभी हम गाय कलर करने वाले हैं, मतलब उसमें डिज़ाइन भरने वाले हैं। तो ब्लैक पेन से ही मैंने शुरू किया है। आप अलग टाइप की डिज़ाइन भी उसमें फिल कर सकते हैं।
तो मैंने यहाँ पे कुछ कलर का भी यूज़ किया है जो हमने नीचे ग्रीन दिया है, वो ज़्यादा यूज़ मत करना नहीं तो वो बहुत मिक्स मिक्स हो जाएगा उसमें, तो रेड येलो ऐसे कलर यूज़ करना, अच्छा दिखेगा। फिर तो ये आप देख सकते हैं कि पूरा कंप्लीट होने के बाद ये बहुत अच्छा दिख रहा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस टाइप के अलग वीडियो भी मैंने यूट्यूब पे डाले हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।